हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरी मेरे चैनल पे स्वागत है, और होपफुली आपने जो मेरी पहली दो वीडियोस हैं वो देखी होंगी। उसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है रिगार्डिंग वन ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स विच आई बिलीव इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। और दूसरे की जो बात है वो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट वीडियो दैट आई पोस्टेड वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको क्रिप्टो करेंसी में जो अभी है वो उसके बारे में आपको बताया गया है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी बताने वाला हूँ। ये ऐसी करेंसी है जो अभी मैं होल्ड नहीं करता, बट आई थिंक दिस कैन इजीली गो अप टू 10x, 20x, 100x। आई नो प्राइस स्पेकुलेशन, प्राइस एनालिसिस करना काफ़ी एक्साइटिंग होता है लोगों के लिए। लोगों को सुनना पसंद आता है कि 10x, 20x, 100x करे, और काफ़ी लोग ऐसे ही मजे में बोल जाते हैं ये खाली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। पर मैं आपको इसके पीछे रीज़न दूंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो आपका इस चैनल में स्वागत है, और अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा जो और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने रिसर्च से आपको वही चीज़ बताऊंगा जो आपके क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज की ग्रोथ में मदद करेगी, ताकि आप खुद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले जाए। मैं ये नहीं बोलता आप कोई भी करेंसी खरीदिए, ये मेरा बिलीफ है कि ये टोकन काफ़ी अच्छा कर सकता है इन द अपकमिंग मार्केट, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, और आपको मैं बताता हूँ कि मैं एग्जैक्टली ये बात बोल क्यों रहा हूँ। ये क्रिप्टो करेंसी जो है जिसका नाम स्टैक्स है, वो आने वाले टाइम में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। और कोई भी अगर इन्वेस्ट क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस है तो उस पर इसका ध्यान जरूर जाना चाहिए, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि ये फेल्ड अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो रही है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्टैक्स, राइट? दिस इज द वेबसाइट। अब हम थोड़ा सा ऊपर से ही पढ़ लेंगे बाकी, ताकि मेरे को तो पता है क्या करता है ये आपको, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन अंदर देने के लिए मैं आप थोड़ी वेबसाइट से इनका लिटरेचर पढ़ लूंगा। द स्टैक इकोसिस्टम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एंटिटीज वर्किंग रिसर्च, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एजुकेशन ऑन द स्टैक्स नेटवर्क। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एंटिटीज। मतलब आप क्रिप्टो वर्ल्ड में हैं तो आपको पता होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन इज। दिस वाज बिल्ड ऑन बिटकॉइन, राइट? इफ यू कम हियर और हम लोग बात करें, इंट्रोड्यूसिंग BSBTCs एंड द नागामोटो रिलीज ऑन स्टैक्स, मेकिंग बिटकॉइन अ फुली प्रोग्रामेबल प्रोडक्टिव एसेट। SBTC विल अलाउ बिटकॉइन टू बिकम फाउंडेशन ऑफ अ मोर सिक्योर वेब थ्री बाई एनेबलिंग ट्रस्टलेस राइटिंग टू बिटकॉइन एंड द मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन इन एंड आउट लेयर्स, राइट? अभी तक क्या हो रहा था कि बिटकॉइन को एक करेंसी ट्रीट किया जा रहा था। तो जब भी करेंसी किसी को आप ट्रीट करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है, राइट? श्योर, आप नेटवर्क इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर बिटकॉइन हैज बिन दी OG इन दिस स्पेस, तो बहुत लोगों ने इसको $1 मिलियन तक इसका एस्टिमेशन लगाया है कि $1 मिलियन पहुंचेगा। कई लोगों ने 10 मिलियन बोला है, जो कि काफी स्पेक्युलेटिव है, और ये आने वाले टाइम में हो भी सकता है, उस पर मैं कॉमेंट नहीं करूँगा। बट द ओनली थिंग पीपल आर सेइंग वाई, एक बीच में एक ऐसा ही भी उल्टा उल्टा खबर आया था या बहुत लोग ये एनालिसिस कर रहे थे कि इथीरियम विल सरपास बिटकॉइन। तो उसका एक ही कारण था, क्योंकि इथीरियम एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। इथीरियम के ऊपर आप मल्टीपल डेक्सेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो समझिए इथीरियम एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर आपने 100 कंपनीज को लिस्ट कर दिया, राइट? तो जितने भी ट्रेड्स होंगे उस पे वो इथीरियम का ब्लॉकचेन यूज करेंगे। तो इथीरियम को जो यूज केस है वो काफी मायने में बढ़ जाता है। तो कोई भी बड़ी बड़ी एंटिटीज होती हैं वो इसी पे इसलिए इन्वेस्ट करेंगी क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारी कंपनीज आगे इथीरियम पे बिल्ड करेंगी, राइट? फिर एक लॉकिंग सिस्टम होता है हर एक ब्लॉकचेन का, क्या इतने आपको करेंसीज लॉक करने पड़ेंगे टू गेट दी टू यूज द ब्लॉकचेन इटसेल्फ। पर बिटकॉइन पे ऐसा नहीं था। बिटकॉइन का केवल यही खेल था कि आप उसको एज अ करेंसी ट्रेड कर सकते हैं। बट जब स्टैक्स की बात करें, स्टैक्स इज द ओनली लेयर वन। आप पता है मैटिक एक लेयर वन सोल्यूशन है, सॉरी लेयर टू सोल्यूशन है, स्टैक इज द ओनली लेयर वन दैट इज लिंक टू बिटकॉइन। यूजिंग स्टैक्स, आप स्टैक को यूज करके बिटकॉइन की सिक्योरिटी को यूज करके आप उस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपस में ही, ये अपने आप में ही काफी एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टफ है, ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें उसमें बताया है
कि आप एक फंजिबल टोकन कैसे खरीद सकते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लीज देखें। सबसे आसान सा तरीका है वो पैसे बनाने का। लाखों करोड़ों में आदमी उसकी वजह से पैसे कमाएगा अगर वो सक्सेसफुल होता है तो। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाके बस फ्री में उस चीज को लेना है, मिंट करना है। और अगर उस पे लोगों ने डिसाइड किया कि हमें इस पे डेक्सेस बिल्ड करना है या हमें इस पे डीफाई प्रोटोकॉल्स बिल्ड करना है, तो जब भी डिसीजन लिया जाएगा तब उसको डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। फिलहाल हम स्टैक्स की बात करते हैं। तो स्टैक एक ऐसा इकोसिस्टम है जो ऑलरेडी इतने सारे प्रोटोकॉल एंड कम्युनिटी को होस्ट करता है। अब जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इनको सपोर्ट मिला हुआ है, पाकिस्तान, टर्की, कोरिया, ये तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और पार्टनर्स एंड इंटीग्रेटर्स कॉइन बेस, विच इज द बिगेस्ट आई वुड से प्लेयर इन द क्रिप्टो स्पेस, राइट? ओके कॉइन, आज कल हम उसके बारे में सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूएसडीसी। हालांकि अभी डीपेग हुआ था, बट अगेन इट्स गॉटन बैक टू इट्स ओरिजिनल प्राइस। इंजेक्टेड प्रोटोकॉल जो एक सोलाना पे बेस्ड है। तो पीपल आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाँ, हम आप डेक्सेस वगैरह, डीफाई प्रोटोकॉल्स, डेक्सेस, गेमिफिकेशन, मेटावर्स वगैरह हम उस पर बिल्ड कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल ये आता है कि जब ये इकलौता एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कर रहा है इसको, क्या जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी प्राइस में हमें देखने को चेंजेस मिलेंगे? तो सिंपल सा आंसर है कि उसका जवाब हाँ है। अगर बिटकॉइन 1 मिलियन टच करता है तो जाहिर सी बात है वो स्टैक को यूज करेगा, राइट? स्टैक के लेयर को यूज करेगा। जब जब इथेरियम बढ़ता है तो पॉलीगॉन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन इथेरियम को, ब्लॉकचेन को यूज करके वहां पे डेक्सेस और एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन पास करता है उसका। उसी तरीके से स्टैक्स है तो अभी ये 1.13 पे बैठा हुआ है। अगर हम ऑल टाइम हाई इसका उठा के देखें तो अभी हाल ही में इसका काफी अच्छा रन हुआ था, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डिनल जो फंजिबल टोकन्स हैं उसके, काफी उन्होंने हाई प्रेस किया था। आप हाँ, मेरी पुरानी वीडियोस को देखने हो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली पीपल आर एबल टू बिल्ड एनएफटीज। मैं एनएफटीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दैट्स अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड इट। बट इट्स नॉट एनएफटी एक्चुअली, इट्स फंजिबल टोकन्स। इट्स नॉट नॉन फंजिबल टोकन, इट्स एक्चुअली फंजिबल टोकन्स। देयर आर टोकन्स दैट कैन बी बिल्ट ऑन ऑन बिटकॉइन। तो ऑल टाइम हाई इसका 2.89 है। मैं अभी ये नहीं कहता खरीदने के लिए, हालांकि अगर आप कभी भी ग्रीन में किसी को ना खरीदें, ट्रस्ट में या नीचे आएगा, इट कम इन द रेड जोन नो मैटर व्हाट द मार्केट साइज। ये हमेशा अपने लोअर लिमिट पे आता है। अभी 1.13 पे ट्रेड कर रहा है, राइट? मार्केट कैप इसका 1.5 बिलियन है, फुली डायल्यूटेड 2.5 बिलियन, और इसका टोटल सप्लाई भी ज्यादा नहीं है, 1.3 बिलियन के आसपास का सप्लाई है। तो ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली 50 बिलियन का मार्केट कैप टच कर सकता है। तो अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो आराम से 40x से 50x इस पे हम लोग बना सकते हैं। तो ये मैं आपके नजर में डालना चाह रहा था कि स्टैक्स को अपने नजर में डालिए और कोशिश कीजिए इसके बारे में जितना जान सकते हैं उतना जाने, क्योंकि ये डेफिनेटली मेरा टॉप 10 पिक है फॉर द अपकमिंग बुल रन। मैं ऑलरेडी आपको एक पिक दे चुका हूँ, मेरा पुराना वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे, और ये दूसरा ये पिक मेरा है। तो अगर आपका $1,000 का पोर्टफोलियो है या $100 का पोर्टफोलियो है, तो 10% आप स्टैक्स में जरूर इन्वेस्ट करें या ना करें वो आपके ऊपर है, बट मैं 10% स्टैक्स में जरूर इन्वेस्ट करूंगा और 20% मैं अपना पोकर ऑट में इन्वेस्ट करूंगा, जो कि मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आराम से 1,000x कर सकता है। मैंने कारण भी बताया ऐसा क्यों है। तो फाइनली गाइज, ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि बिटकॉइन इज नॉट डीम्ड एज सिक्योरिटी बाय गैरी गेंसलर। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव्स। वो भी एक पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए कि वो एक सिक्योरिटी नहीं है। तो जो भी एप्लीकेशन उसके ब्लॉकचेन पे बिल्ड होंगे, जाहिर सी बात है वो ये रेगुलेशंस वगैरह को फेस नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोज बनाता रहूंगा ताकि आपको भी एज अ व्यूअर पता लगता रहे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, क्या क्या नई चीजें मार्केट में आई हैं, ताकि आप उस पर अपडेटेड रहें। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा।